वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये चैप्टर 5 है। इससे पहले चैप्टर 4 हमने किया था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, तो कहा जाए तो ये उसी चैप्टर का थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी है, ठीक है। और ये क्लास 6 है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई जा रही है। इनका यूज आपके आगे की क्लास में होगा, तो बेहतर है आप इसको अभी बहुत अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आगे आपको क्या है हेल्प मिलेगी। अभी आपने ठीक से नहीं समझा तो फिर तो आपको सवाल ही करने होंगे, ये सारी चीजें आपको कोई समझाएगा नहीं, सीधा सीधा आपको सवाल करने होंगे। तो ये चीज अगर आपने अभी अच्छे से नहीं समझी तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेहतर है अभी आप इसको ध्यान से समझें, ठीक है। अभी आपको लगाइए तो क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसे ध्यान से समझिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, आज क्या करेंगे। ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्मड यूजिंग कर्व और लाइन। तो हमारे आसपास जितनी भी शेप्स हम देखते हैं वो या तो कर्व से बनती हैं या लाइन से बनती हैं। तो वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व इन अवर सराउंडिंग। तो हम अपने आसपास और क्या क्या देखते हैं, हम देख सकते हैं अपने आसपास कॉर्नर्स देख सकते हैं, एजेस देख सकते हैं, प्लेन्स देख सकते हैं, ओपन कर्व देख सकते हैं और क्लोज कर्व देख सकते हैं, ठीक है, अपने आसपास। तो वी ऑर्गेनाइज देम इनटू लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स एंड सर्कल्स। तो वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइज एंड मीटर्स। तो लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल टू कंपेयर देयर साइज। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, इनके टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो क्या करेंगे हमें बताएंगे कि किस तरह से उनका यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है मीजरिंग लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट, इससे पहले हमने जो फोर्थ चैप्टर पढ़ा था आप उसको याद कीजिए, आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आपको पता होगा लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। तो लाइन सेगमेंट हम रिव्यू भी करवा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक लाइन का एक टुकड़ा कह सकते हैं, ठीक है। लाइन क्या होती थी, उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता था, सिर्फ जैसे एक ये पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हमने देखे थे तो बुक्स के एजेस वगैरह, ठीक है, कॉर्नर जो कि एक जिनका शुरुआत का पॉइंट होता है और लास्ट का पॉइंट होता है, वो होता है लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन क्या होती है, लाइन को हम आगे पीछे दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो, नोटबुक पढ़ रहे हो, तो आप इतना एक्सटेंड कर सकते हो उसको, आगे भी पीछे भी, कुछ भी बाहर निकल जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो होती थी लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता था, लाइन सेगमेंट की एक सीमा होती थी, ठीक है। तो है आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया है तो आप प्रीवियस वीडियो देख के और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव ड्रॉ एंड सीन सो मेनी लाइन सेगमेंट्स। अ ट्रायंगल इज मेड ऑफ 3 क्वाड्रिलेटरल ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो जो हमने क्या है, बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स देखे थे, एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल किससे बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से, ठीक है। और जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो 4 लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ट्रायंगल हमने देखा था ना ऐसे करके, और क्वाड्रिलेटरल जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। तो लाइन सेगमेंट हम फिर से रिविजन करवा रहे हैं कि फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन होता है। तो दिस मेक अप पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। तो इससे क्या होता, क्या संभव है कि ये जो फिक्स्ड पोर्शन होता है, इससे क्या है, मेजर करना आसान होता है, ठीक है। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। वी यूज दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट। टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट्स वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ। दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। तो एक्चुअली लाइन मेजर करने के लिए जो इसका क्या कहते हैं, हम कई तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि लाइन सेगमेंट है उसको आप किस किस किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, आपको यहाँ पे दो लाइन दी है, ठीक है। तो ये लाइन दी है आपको, आप देख पा रहे होंगे, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, ठीक है। लाइन ये भी है और लाइन सीडी है, दो लाइन है। तो सबसे पहला तरीका है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि ऐसे ही देखना, देख के बता देना कि कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी लाइन बड़ी है। तो मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो इनको हम बता सकते हैं कि ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं आगे, बाय जस्ट लुकिंग
एट देम यू कैन टेल विच वन इज लॉन्गर. क्या आप सिर्फ इसको देख के बता सकते हैं कि कौन सी लंबी है? तो यू कैन सी दैट ए वी इज लॉन्गर. तो आप देख सकते हैं कि ए वी क्या है, लंबी है. बट यू कैन नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट. लेकिन क्या होता है कि आप हमेशा श्योर नहीं होते अपने जजमेंट के बारे में, कि आप हमेशा ही देख के बता दो कि ये लाइन छोटी है बड़ी है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट. तो एग्जाम्पल के उन्होंने यहाँ दो लाइनें और दे दी हैं. तो मान लो ये लाइन तो हमें बड़ी छोटी दिख रही थी, तो हमने बता दी. लेकिन ये दोनों लाइनें क्या है, इन दोनों लाइनों को देख के हम नहीं बता पाएंगे सिर्फ देख के कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, क्योंकि ये लगभग क्या है, बराबर साइज की लग रही है. हम कभी इसको बड़ा लग, कभी ये बड़ी लग रही है, कभी ये बड़ी लग रही है, तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से देखना. तो ये जो कंपेरिजन वाई ऑब्जर्वेशन था, ये इतना ज्यादा सफल नहीं हुआ. ठीक है. तो द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन दीज टू मैनी टू मे नॉट बी ऑब्वियस. दिस मेक्स अदर वेज ऑफ कंपेयरिंग नेसेसरी. तो यह क्या हुआ, इस वजह से सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्या संभव नहीं था एकदम एक्यूरेट बता पाना कि लाइन छोटी है या बड़ी है. तो इन दिस एडजेसेंट फिगर्स ए वी एंड पी क्यू हैव द सेम लेंथ, दैट इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस. सो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट. अब यहाँ एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे ए बी लाइन है और पी क्यू है, तो इनको देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. तो इसलिए क्या हुआ, हमें और मेथड और तरीके ढूंढने होंगे लाइन को कंपेयर करने की, कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है. ठीक है. अब दूसरा जो तरीका था वो था कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग. यानी कि एक ट्रेसिंग आप जानते हैं, एक पेपर आता है जिसको बटर पेपर बोलते हैं, पेपर पतला सा पेपर आता है जिसमें जो ट्रांसलूसेंट होता है, जिसमें दिखाई देता है. ठीक है. तो आप उसको इस लाइन के ऊपर रखो मान लो. ठीक है. उसको इस लाइन के ऊपर रखो और ऐसे ड्रॉ कर लो. ठीक है. फिर आप उस पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ कर लिया, फिर उस पेपर को उठा के इस पे लगा के देख लो कि इससे बड़ी है या छोटी है. ठीक है. तो ये होता है ट्रेसिंग मेथड. अब यहाँ करके बता रहे कि इसके ऊपर पहले इसको मेजर कर लो, या फिर पहले इसको छोटे वाले को मेजर कर लो, फिर इसको देख लो कि ये कहाँ तक आ रही है. ठीक है. तो इस तरह से ये जो होता है ट्रेसिंग वाला, ट्रेसिंग के द्वारा कंपेरिजन करना. ठीक है. टू कंपेयरिंग ए वी एंड सी डी वी यूज ट्रेसिंग पेपर, ट्रेस सी डी एंड प्लेस द ट्रेस्ड सेगमेंट ऑन ए वी. तो ये क्या करे, पहले इसको क्या करो, ट्रेस करो, फिर इसके ऊपर रख लो. ठीक है. और फिर देखो कि छोटी है कौन सी बड़ी है. तो कैन यू डिसाइड नाउ विच वन अमंग ए वी एंड सी डी इज लॉन्गर. तो क्या आप बता सकते हैं कि अब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. द मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट. मोर एवर इफ यू वॉन्ट टू कम्पेयर विथ अनोदर लेंथ, यू हैव टू ट्रेस अनोदर लाइन सेगमेंट. दिस इज डिफिकल्ट एंड यू कैन नॉट ट्रेस द लेंथ एवरी टाइम यू वॉन्ट टू कम्पेयर देम. तो इस तरीके में भी क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, पहले इसको ट्रेस करना है, फिर इसके ऊपर दोबारा से रखना है. मतलब आपको जब भी कंपेयर करना होगा तो दोनों लाइन को ट्रेस करना होगा. तो क्या हुआ, ये भी मेथड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ, कह सकते हैं कि बहुत परेशानी होती थी इसमें भी. दिस इज डिफिकल्ट. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, तीसरा तरीका देखा, थर्ड मेथड जो था कि कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर. तो अब ये रूलर है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, देखा होगा आपने, पहचानते होंगे काफी अच्छे से, इस चीज से परिचित होंगे. तो ये जो रूलर है और ये है डिवाइडर. ठीक है. इसका नाम भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी पता चला जाए. ठीक है. अभी इसमें काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो यदि आपने उनका नाम नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो ये रूलर है. अब थर्ड जो तरीका था कंपेरिजन का, उन्होंने क्या किया, रूलर से डिवाइडर से. आप जानते हैं इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, इसको खोल लेते हैं इस तरह से और फिर इसको यहाँ ऐसे करके रख लेते हैं कि ये ऐसे खोलते जाते हैं कि कितने सेंटीमीटर का है ये, और फिर उस लाइन के ऊपर ऐसे लगा देते हैं. ठीक है. रख के माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं. ठीक है. तो ये तरीका होता है रूलर और डिवाइडर से मेजर करने का. तो हैव यू सीन और कैन यू रिकॉग्नाइज ऑल द इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स. तो ये भाई कह रहे हैं कि क्या आपने क्या आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है इंस्ट्रूमेंट, उसके सारे आपको याद है इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें. ठीक है. अमंग अदर थिंग्स यू हैव अ रूलर एंड अ डिवाइडर. तो और जो चीजें होती हैं उनके अलावा
एक रूलर और एक डिवाइडर भी होता है, ठीक है। तो नोट हाउ द रूलर इज मार्क्ड अलोंग ऑन इट्स एजेस। इट इज डिवाइड इनटू 15 पार्ट्स, ईच ऑफ दीज 15 पार्ट्स इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका रूलर है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर का आता है ना। आपने देखा होगा ये 15 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट एक ही सेंटीमीटर का होता है। तो 15 सेंटीमीटर का आपका ये रूलर होता है। एक सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट, ईच सब पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ अ सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर। और जो हर एक सेंटीमीटर होता है उसके भी सब पार्ट, आपको ये छोटी छोटी लाइन दिखा रही है ना, वो 1 मिलीमीटर यानी कि एक जो सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर में डिवाइड रहता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बॉक्स में दिया है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। हाँ ये उसी का मेजरमेंट बता रहे हैं। तो 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। 2.3 सेंटीमीटर विल मीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो ये बता रहे हैं किस तरह से होता है। फिर है हाउ मेनी मिलीमीटर मेक 1 सेंटीमीटर। तो कितने मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो 10 मिलीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, हाँ, तो हाउ विल वी राइट 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, व्हाट डू वी मीन बाय 7.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ इन्होंने बताया है 7.7 सेंटीमीटर यानी कि 7 मीटर और 7 सेंटीमीटर, और राइट 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के लिए हमें कितना लिखना होगा, 0.2 मिलीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर का 20 मिलीमीटर, ठीक है। 3 मिलीमीटर यानी कि 0.3 सेंटीमीटर। फिर क्या है, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए, रीड द मार्क अगेन बी, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी। सपोज द लेंथ इज 5.8 सेंटीमीटर, वी मे राइट लेंथ ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, और मोर सिंपली एज ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो दिस इज रूम फॉर एरर इवन इन दिस प्रोसीजर। द थिकनेस ऑफ द रूलर मे कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन इट। तो ये जो तरीका था, इस तरीके में थोड़ी सी क्या हुई, समस्याएं आ गई, ठीक है, कि रूलर जो मोटा होता है उस वजह से इसको पढ़ने में थोड़ी सी समस्याएं आती थी। अब किस तरह की समस्या आती थी, ओ सॉरी, तो समस्या ये थी कि एक तो था पोजिशनिंग एरर। जैसे मान लीजिए आपका ये रूलर है, यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे कि यदि आपका ये रूलर रखा हुआ है, ठीक है, आपकी आप इधर से देख रहे हैं, ये रॉन्ग आई पोजीशन है, आप इधर से देख रहे हो, तो आपको ये इतना मिलीमीटर इतना छोटा होता था ना कि ये वाली लाइन आप इधर से देख रहे हो तो इधर दिखाई दे, या ये मतलब ये दोनों तरीके क्या थे, रॉन्ग थे। करेक्ट पोजीशन आप यहीं रख के आपको देखना होता है एकदम, क्या है रूलर थोड़ा मोटा होता है ना तो ठीक से दिखाई नहीं देती है कौन सी लाइन है। तो पोजिशनिंग देन यही होता है, टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क, अदरवाइज एरर कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर व्यू। तो अब इधर इधर से आप देखोगे तो क्या होगा, एक पॉइंट की थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट अदर एरर्स एंड डिफिकल्टीज माइट बी फेस, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स कैन अकर इन व्यूइंग द मार्क ऑन द रूलर इज नॉट प्रॉपर, हाउ कैन वन अवॉइड इट। तो ये वही बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या मिस्टेक्स होती थी पोजिशन एरर की, उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। तो यदि हम आई को इधर रखें करेक्ट पोजिशन में सेंटर में, तो इस तरह की ये जो एरर है उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इज देयर अ बेटर वे, क्या इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का कोई तरीका है। तो लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर लेंथ। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब रूलर की जगह
डिवाइडर का प्रयोग करते हैं ताकि ये तरीका थोड़ा सा ये जो इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं उनको दूर किया जा सके। अब डिवाइडर का प्रयोग किस तरह से करेंगे, तो डिवाइडर को ऐसे खोल के उन्होंने दिखा रहे हैं ना, इस तरह से रूलर पे रखेंगे और फिर मेजर कर लेंगे और फिर लाइन मेजर कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडर कितने सेंटीमीटर का है उतना ले लिया, या फिर पहले लाइन ले लिया आपने कितने सेंटीमीटर की है उतना खोल के फिर यहाँ प्लेस कर दिया और देख लिया कि कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ओपन द डिवाइडर, प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ ऑन द इट्स आर्म एट ए एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड आर्म एट बी। तो टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्या है काफी सॉफ्ट सा होता है ना, तो हाथ से लेके कभी बड़ा या छोटा हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना, ये यहाँ जो मेजर किया है उसके बाद ना बड़ा या छोटा ना हो तभी सही मेजरमेंट आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर इसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। तो लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर, और फिर क्या करना है इसको रूलर पे प्रेस कर देना है, एंड सो दैट वन एंड पॉइंट इज एट द जीरो मार्क ऑफ द रूलर, नाउ ट्रीट द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड पॉइंट। और क्या करना है आपको, ये जीरो है ना फर्स्ट में वहां पे रखना है एक पॉइंट को, और दूसरा फिर जहां तक आए वहां पे रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मेजरमेंट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, फिर इसमें ट्राइडीज दिया है, तो ट्राइडीज में कह रहे हैं टेक अ पोस्ट कार्ड यूज द अबव टेक्निक टू मेजर इट्स टू एडजेसेंट साइड। तो हमें पता है पोस्ट कार्ड होता है इस तरह का, ठीक है, और एडजेसेंट साइड हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि एक साइड ये है, कलर दूसरे, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दोनों साइड पास पास में है, तो ये दोनों साइड को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, ठीक है। तो वही मेजर करने के लिए कह रही है, ठीक है। तो आप अपना रूलर लीजिए और डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर से ये दोनों, एक पोस्ट कार्ड आपके पास है तो उसको मापिए, उसकी एक साइड मापिए और फिर दूसरी साइड मापिए और फिर उसको रूलर पे प्लेस करके देख लीजिए कि ये कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सिलेक्ट एनी थ्री ऑब्जेक्ट हैविंग अ फ्लैट टॉप, मेजर ऑल साइड्स ऑफ द टॉप यूजिंग अ डिवाइडर एंड रूलर। और आप कोई भी घर में तीन चीजें हैं जिनका टॉप फ्लैट हो, जैसे आपकी नोटबुक हो गई, टेबल हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं और फिर उनका मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर की है, कितने मिलीमीटर की है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इसमें, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी 5.1। तो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए और देखिए कहीं भी कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको कंटेंट आगे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।